केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 3,322,92,00,000 रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें 377 सड़कों और 167 पुलों का निर्माण किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में योजना के तीसरे चरण के तहत सड़कों के अपग्रेडेशन का काम 3,168 करोड़ रुपए 47,00,000 की लागत से होगा। वहीं 167 पुलों के निर्माण कार्य पर 154 करोड़ 45,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। ये सड़कें करीब 4,800 किलोमीटर लंबाई में बनेंगी, जिसमें सैकड़ों गांव के निवासियों के साथ ही बड़ी संख्या में अन्य राहगीरों को भी आवाजाही में काफी सुविधा होगी।